ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लंबी जद्दोजहद के बाद आकर बूंदी के रामगढ़ विषधारी को प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व के तौर पर मंजूरी मिल गई है। एनटीसीए ने रामगढ़ विषधारी को मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय इसकी अधिसूचना जारी करेगा। ये हड़ौती का दूसरा और प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। नए टाइगर रिजर्व का कैसा होगा स्वरूप, इस पर पेश है फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट। रामगढ़ विषधारी को नए टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करवाने में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भी अहम योगदान रहा है। बिरला लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे थे। बहरहाल पिछले दिनों वाइल्ड लाइफ वार्डन मोहनलाल मीणा ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के मुताबिक रामगढ़ विषधारी को टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने का प्रस्ताव तैयार किया था। इसके बाद हुई एनटीसीए की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। वन सचिव बी प्रवीण ने 27 मई को एनटीसीए को पत्र लिखा। रामगढ़ विषधारी दो टाइगर रिजर्व के बीच में आता है, उत्तर पूर्व में रणथंबोर टाइगर रिजर्व और दक्षिण में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। धौलपुर से कोटा तक एक वृहद टाइगर कॉरिडोर विकसित होगा। अब जारी होगी अधिसूचना। टाइगर रिजर्व में बाघ किए जाएंगे शिफ्ट। रामगढ़ विषधारी में एक बाघ T115 मौजूद। 1050 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र प्रस्तावित। दरअसल रामगढ़ विषधारी सदियों से बाघों के लिए एक मैटरनिटी होम के तौर पर प्रसिद्ध रहा है। सघन जंगल बाघों को सदियों से बेहतर आश्रय स्थल देते रहे हैं। रामगढ़ का बेहतर प्राकृतिक वातावरण और इसके बीच बहने वाली मेज नदी खूबसूरत वादियों में बाघों की दहाड़ से इसे देश के सबसे खूबसूरत जंगल होने का गौरव प्रदान करते हैं। रामगढ़ विषधारी के टाइगर रिजर्व के तौर पर अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य सरकार कंजर्वेशन प्लान बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगी। इसके बाद राज्य सरकार के सचिव की ओर से टाइगर रिजर्व का नोटिफिकेशन जारी होगा। इसमें रिजर्व का बफर और कोर एरिया घोषित होगा। भारत सरकार की ओर से यह प्लान मंजूर होने के बाद इसी के अनुसार आगे के काम होंगे। इसके बाद यहां राज्य सरकार की ओर से अलग अलग काम के लिए बजट आवंटित होगा। यहां एनक्लोजर के अलावा सुरक्षा दीवार और फेंसिंग भी होगी। प्रे बेस और ट्रांसलोकेट की प्रोसेस शुरू की जाएगी। स्टाफ की भर्ती होगी, साथ ही बॉर्डर होमगार्ड भी सुरक्षा में तैनात होंगे। रिजर्व के कर्मचारियों को विभिन्न वेतन भत्ते स्वीकृत होंगे। यहां पर्यटकों के लिए अलग अलग जोन से एंट्री होगी। इस प्रोसेस में करीब 5 साल तक का समय लग सकता है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व 1050.12 वर्ग किलोमीटर का होगा। अब अधिसूचना जारी होते ही यहां पर बाघों के शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रणथंबोर में फिलहाल बाघों की संख्या 69 पहुंच गई है। ऐसे में वहां बाघों के बीच टेरिटोरियल फाइट रोकने के लिए रामगढ़ विषधारी बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।